हरे कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मॉस रोज प्लांट होते हैं, इनको हम छोटी छोटी जो इनकी टहनी होती है इससे भी काट के अलग अलग बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और इनमें कलरफुल फ्लावर्स आते रहते हैं, यानी कि कई रंग के होते हैं ये। तो अगर ये ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और इनकी छोटी छोटी कटिंग्स भी हम कई गमलों में शिफ्ट करके लगा सकते हैं। इस तरह की जो बॉटल्स होती हैं, इन बॉटल्स में भी काट के लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो गमला है ये भी मैंने बॉटल्स को ही कट करके इसमें लगा दिया है। कि कई तरह के फ्लावर्स आते हैं इसमें। अच्छा, एक बात और है कि हम इनको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। जैसे जितने भी कलर हैं, अगर हम उनको एक साथ लगा देते हैं तो वो बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा लुक लगता है, बहुत सुंदर लगता है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने और भी जगह लगा रखे हैं। ये देखिए, ये मैंने कटिंग जो है वो अलग अलग कलर की लगा रखी है। जैसे ये येलो कलर है, इसमें ये लाइट पिंक है और ये कुछ पिंक शेड में अलग है। तो आप देखेंगे कि ये अभी तो इसमें ज़्यादा खिले नहीं हैं, जब ये पूरा खिल जाता है तो ये पूरा फूलों से भर जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस तरह की आप कटिंग लगा सकते हैं। ऑरेंज कलर में भी लगाया हुआ है मैंने। ये देखिए, ये हैंगिंग प्लांट है, हैंगिंग प्लांटर है, इसमें मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए, एक ये कलर जो है इसका, ये थोड़ा अलग हटके कलर है। ये कभी डार्क ज़्यादा हो जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये इसमें क्या है कि मिक्स कलर भी आ जाते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं है कि एक ही कलर आएगा, इसमें अलग अलग कई तरह के फ्लावर्स आ जाते हैं। ये देखिए, ये पानी की बॉटल थी जो ख़राब हो गई थी, तो इसमें भी मैंने इसकी कटिंग लगाई थी तो काफ़ी ग्रो कर गई है। कोई भी अगर पुराना जो पॉट है वो अगर ख़राब हो जाता है तो उसमें भी हम ये कटिंग लगा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बकेट थी छोटी सी जो बेकार हो गई थी, तो मैंने इसमें भी लगा दिया है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी जो है इसकी कटिंग लगा दी थी रोज़ मॉस प्लांट की, तो ये बहुत सारे हो गए हैं। ये खिल के काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और अलग अलग इनसे हम और भी ज़्यादा बना सकते हैं। इनको हम कई ज़्यादा गमलों में शिफ्ट कर सकते हैं इनकी कटिंग लगा के, और इनके बीज जो होते हैं इनसे भी लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे मॉस रोज़ प्लांट की कितनी सारी वैरायटी होती है और उनको हम कैसे शिफ्ट करके अलग अलग प्लांट्स में लगा सकते हैं, प्लांटर में लगा सकते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स में भी लग जाते हैं। ये देखिए, एक बड़ी बॉटल भी थी ऑयल की, वो खरा मेरे लिए तो वेस्ट ही थी, तो मैंने इसमें भी लगा दिया है।
इस तरह के रोज़ प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं और अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं आप, हैंगिंग प्लांटर में लगा सकते हैं, तो उनका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।